हेलो गाइस, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं। और आज हम चतरा जिला में मशहूर पिकनिक प्लेस में आए हैं, पिकनिक स्पॉट में, जिसका नाम है खैवा। आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन आज हम भी कभी यहाँ नहीं आए थे, लेकिन आज पहली बार यहाँ आए हैं घूमने। और देखते हैं कैसा नज़ारा यहाँ से लगता है, देखने में कैसा है खैवा, कैसा है उसको देखते हैं। ये मेरे तरफ अभी बहुत बड़ा जो पहाड़ दिखा है, इसको अपोजिट साइड में है, तो आइए इसका नज़ारा देखते हैं। आप लोग भी देखिए कि कैसा दिखता है। ये इधर भी पत्थर, इधर भी पत्थर, पानी पत्थर को काट के अपना रास्ता बनाई है, इसीलिए एक साथ कहते हैं कि पानी को अपना रास्ता बनाने के लिए किसी से इजाजत नहीं लेना पड़ता। हर साल यहाँ कितना भीड़ लगता है देखने के लिए, और किस तरीके से बना है। हम भी यहाँ पहली बार आए हैं, तो इतना एक्साइटेड थे आने समय देखने के लिए कि खैवा कैसा है। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ कितना गजब तरीके से करके बना है। इसको देखिए कितना गजब तरीके से, और ये तो बहुत कम है। इसके अलावा भी इसके नीचे उधर और बहुत ज्यादा खतरनाक बना है। यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इतना रिस्क लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इधर देखिए आके कितना गजब तरीके से, कितना खतरनाक बना है ये खैवा। यहाँ से 20-25 फुट नीचे गड्ढा है, और बस पानी ज्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन पत्थर को इस तरीके से काट के पानी रास्ता बनाई है। देखिए कितना गजब तरीके से कट के बना है ये खैवा। थोड़ा सा नजदीक आके दिखाना। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है खैवा बना। आगे उसी जहाँ बता रहे थे उससे थोड़ा सा आगे आए हैं, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितना यहाँ तक, इधर पूरा इसके आगे तक है, सांप के जैसा ये जो पानी काट के अपना रास्ता बनाई है। और यहाँ जो हम अभी नीचे देख रहे हैं, आगे दिखा दे थोड़ा सा तू भी, और यहाँ मतलब कितना फिट गड्ढा होगा ये हमको भी नहीं पता। और पानी भी इधर भरी हुई है, और अब यहाँ से हम उधर जाते हैं, तो आप लोगों के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं। कम से कम लाइक ना सही, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ से हम यहाँ जाएंगे जहाँ कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसा इतना बड़ा गड्ढा है कि यहाँ सांप हाथी का डोर भी नहीं सुनता है। तो ये सच है या झूठ है, हम चल के देखते हैं, और कितना संकीर्ण है, कितना दिक्कत के साथ जाना पड़ता है। आइए देखते हैं, आ जाओ कैमरामैन। और आप देख सकते हैं कितना मतलब कितना कठिनाई से, कितना संकीर्ण है। अब देख सकते हैं हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तभी हम यहाँ जा पा रहे हैं। और यहाँ से पहले भी लोग घुसे हुए हैं, और सर जाने दीजिएगा भाई साहब। और हम जा रहे हैं अंदर, अब काफी यहाँ भीड़ है, लेकिन बात सच है कि सात खाती का सच में डोर नहीं मिलता है, ये बात सच है। और खुद से हम थोड़ा सा कैमरा पकड़ लिए हैं, और मेरे दोस्त लोग जो है वो सब भी उतर रहा है देखने के लिए कि बात सच है या झूठ। तो जो लाल जैकेट में जो है, लाल सीटर में कैमरा मैन वही है। तो अब हम यहाँ पुजारी जी हैं, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या सच में ऐसा हो, और मिलते हैं इनसे। तो प्रणाम पुजारी जी, ये मतलब जो बात है कि यहाँ सात खाते का दौर नहीं जुड़ता, बात सही है? मतलब कितने दिनों का पुराना है? हम लोग तो मान आते हैं। अच्छा, काफी जोर में जुड़ता है। अच्छा, जब वो ऊपर में मारवा छप्पर बना, जब विष्णु भगवान, वहाँ ये भगवान का गोहबर निकल पा रहा है। अच्छा, गोहबर है, मतलब ये बात सच है? बात सच है, तो यहाँ पैर पे रखा है। अच्छा, अच्छा, वही भगवान यार यहाँ से तो साथी को मैं थोड़ा सा पैर में झूम करना। ये ऐसा कहा जाता है कि ये विष्णु भगवान का पैर है, और बात सर, और उधर हाथ भी है, तो देखते हैं आप आगे चल के। और टीका हमको नहीं लगाइएगा? लगा दीजिए, चंदन टीका लगाइए। दुआ कीजिएगा भगवान से, सही सलामत रहे। लीजिए आपका दर्शन, आगे चलते हैं और देखते हैं वहाँ सच में क्या है या क्या नहीं है। अब देखते हैं यहीं पास में है, थोड़ा सा नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि क्या सच में है इस तरह का। और ये रहा, और अब हम यहाँ आ गए हैं, और कहा जाता है कि ये विष्णु भगवान का हाथ का निशान है, तो सच में देखने में लग भी रहा है, और सच में लगता है कि यहाँ होगा उस तरह का गड्ढा। तो
अभी कैमरामैन और नजदीक से आकर दिखाएंगे कि गड्ढा किस प्रकार बना है, लोग किस तरह से यहाँ देखने के लिए उतरते हैं। देखिए अब से दिखाते हैं कितना ऊपर तक जूम करके कि किस तरह लोग उतरते हैं जो ऊपर में खड़ा है, और फिर इस तरह से नीचे उतरते हैं। और इसको देखने के लिए ये पूरा इस तरह देखने के लिए इधर लकड़ी फंसा हुआ है, इधर उसके अलावा उनका ऐसे निशान कहा जाता है हाथ का। यही रहा वो स्थान जहाँ सात खाती का देर नहीं जमता है, और सच भी होगा, पानी यहाँ बहुत ज्यादा है, हम इससे आगे नहीं जाएंगे, खतरा हो सकता है। यही से हम रिटर्न देते हैं। हम ये पहाड़ में चढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा है तो चढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यहाँ से कुछ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कितना भीड़ यहाँ रहता है। अंदर अंदर से तो पता नहीं चला होगा कि कितना भीड़ रहता है। जो हम जहाँ बोल रहे थे कि जो ऊंचा पहाड़ी वहाँ आने के लिए, हम वहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ देखने के लिए। और सच में यहाँ एक शिवलिंग है, यहाँ से आप नीचे की भीड़ देखते हैं। नीचे जो आदमी है सब देखने के लिए आए हैं, उन सबको देखते हैं यहाँ से किस तरह दिखते हैं। सब देख सकते हैं कितना छोटा छोटा यहाँ से दिखाई दे रहे हैं सब। और मतलब हर इलाके की तरह इस इलाके में भी चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है। और थोड़ा सा और नीचे आते हैं और देख सकते हैं यहाँ से क्लियर नदी भी दिख रहा है। कुछ पेड़ पौधे अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं इतने से, लेकिन फिर भी काफी क्लियर दिखाई दे रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो, ये नज़ारा देखकर, खाइवा का नज़ारा, इसी को खाइवा कहा जाता था। हम सुने थे सिर्फ, लेकिन आए कभी नहीं थे, तो आज हम भी देख लिए और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा दिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, और आप वीडियो बनाते समय देखे ही हैं कि कितना रिस्क लिए इधर से उधर जंप करना। तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा।